तो पिछले साल एक वेब सीरीज आई थी जो कि मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट थी और उसका नाम था दुरंगा। और वो सीरीज को ऑडियंस ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया था। इस सीरीज में आप लोगों को सस्पेंस, थ्रिलर और रोमांस सब कुछ देखने को मिलने वाला है। और आप लोगों को हर एक सीन में रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन्स भी यहाँ पर दिखते थे। और इसी के साथ यहाँ पर आप लोगों को आज सीजन 2 दिख रहा है जो कि आज ही रिलीज हुआ है जी 5 पर। रोहन सिप्पन ने इस सीरीज को डायरेक्ट किया है और इस सीरीज में आप लोगों को अमित साध, दृष्टि धामी और गुलशन जैसे आप लोगों को एक्टर एक्ट्रेसेस देखने को मिलने वाला है। ये जो वेब सीरीज है वो कोरियन ड्रामा फ्लावर ऑफ एविल नाम की जो एक सीरीज है उससे रीमेक की गई है। ये एक साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा है। तो आइए जानते हैं इस सीरीज के दूसरे सीजन के बारे में। जब सभी को लग रहा था कि 17 साल पुराना सारंगवाड़ी सीरियल केस खत्म हो चुका है, तो 6 महीने के बाद उसी के जैसा एक सेम टू सेम मामला सामने आता है जिससे पुलिस में हलचल मच जाती है। वहीं दूसरी ओर 14 साल से गए हुए असली समित पटेल को होश आ जाता है। उसको पता चलता है कि उसी का नाम इस्तेमाल करके उसी की जिंदगी कोई और जी रहा है। और दूसरी तरफ अभिषेक बाणे जो कि समित पटेल नाम कर दूसरी जिंदगी जी रहा है, उसकी पत्नी इस बात से अनजान है। उसकी और ईरा की जिंदगी पहले की तरह उलझी हुई है। दोनों एक साथ होते हुए भी एक साथ नहीं है। जैसे ही असली वाले समित पटेल को अभिषेक बाणे के बारे में पता चलता है, वो उसकी लाइफ में घुसकर हलचल मचा देता है। क्या समित को अपनी पहचान वापस मिल पाएगी या फिर नहीं, क्या वो अपनी फैमिली के साथ फिर से वही लाइफ जी पाएगा या फिर नहीं, ये सब जानने के लिए तो आप लोगों को Zee5 ओपन करना होगा और ये वेब सीरीज का दूसरा सीजन देखना होगा। अगर हम लोग एक्टिंग की बात करें तो पहले सीजन की तरह इस बार भी ये सीजन में सभी कैरेक्टर्स ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। और मैं तो कहूंगा यार कि यहाँ पर अमित साध ने जो साइकोलॉजी वाली एक्टिंग की है वो बहुत ही वाकई काबिले तारीफ है। एक एक सीन पर उनका एक्सप्रेशन बहुत ही कमाल का है। वहीं गुलशन सर ने भी अपने शानदार प्रेजेंटेशन और शानदार एक्टिंग से हम सबको हैरान कर दिया है। उन्होंने भी अमित साध को कड़ी से कड़ी टक्कर इस बार दी हुई है। दृष्टि मैम ने ईरा के किरदार में पुलिस ऑफिसर के रोल में बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है और उन्होंने भी अपनी एक्टिंग में जान लगा दी है। बाकी के साइड कैरेक्टर्स की बात करें तो उनकी एक्टिंग भी यहाँ पर एकदम कमाल की है और आप लोगों को उसमें कोई शिकायत नजर नहीं आएगी। पिछले सीजन को डायरेक्ट किया था प्रदीप सरकार ने और वही दूसरी ओर इस सीजन को डायरेक्ट किया हुआ है रोहन सिप्पी ने। पिछले सीजन से ऑडियंस के मन में जो सवाल रह गए थे, इस सीजन में उन सबके जवाब एक एक करके हम लोगों को मिलते हैं। पिछली सीजन को जोड़ते हुए इस रोमांचिक नई सीजन को देखते हुए आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है जो कि सब कुछ सस्पेंस और क्राइम से जुड़ा हुआ है। हर एपिसोड यहाँ पर रोमांच के साथ बढ़ता जाएगा और हर एपिसोड यहाँ पर कुल 30 मिनट का है। हर एक एपिसोड का एंड यहाँ पर आप लोगों को बांधकर रहेगा और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी एकदम कमाल का है और इसकी एडिटिंग भी काफी हद तक अच्छी है। ओवरऑल इस सीरीज में सब कुछ अच्छा है तो मैं इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा 5 में से 4 स्टार। तो चलो यार, रही था मेरा आज का रिव्यू दुरंगा सीजन 2 के ऊपर जो कि अभी स्ट्रीम कर रही है Zee5 पर। क्या आप लोग ये सीरीज देखोगे या फिर नहीं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।